जहन दोस्तों, क्यों जेसु जवानों के घाव पर नमक छिड़क रहे हो? पहले दिया घाव, आप छिड़क रहे हो नमक। आखिर वन रैंक वन पेंशन का कम से कम जश्न तो मत मनाओ। इस तरह का क्रेडिट क्यों ले रहे हो? जरा एक बार, सिर्फ एक बार आपने किसी सैनिकों से पूछा कि आपका दर्द क्या है? यानी कि 2000 पिछले आपने 23 में देखा होगा, उससे पहले 22 में देखा होगा कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगति को लेकर के सैनिक लामबंद है। क्या सैनिक इतना हुजूम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, क्या ये सब गलत है? क्या आपने हजारों करोड़ रुपए की आज फिर आपने एनएक्स के ऊपर डाला है कि कितने लाख करोड़ आपको दिए, कब कितने दिए, किसको कितना फायदा हुआ? जेसी जवान आज क्यों बिलख रहे हैं? काला दिवस क्यों मनाया जा रहा है? सेलिब्रेशन क्यों मनाया जा रहा है? प्रतिक्रिया देश की क्या है? सारी चीज इस वीडियो में शामिल करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री की जब जैसे ही एक्स के ऊपर प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने सीधा सीधा तमाम चीजें कहा है कि वन रैंक पेंशन इज ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फेयर एंड इक्वल पेंशन पेमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। द स्कीम इंश्योर द वेटरन हु रिटायर्ड द सेम रैंक विद सेम लेंथ ऑफ सर्विस रिसीव इक्वल पेंशन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिटायरमेंट डेट। हियर आर द हाई Yielding fact of 10th anniversary of ORP, यानी आपने जो जश्न मनाया कि जवानों की पेंशन बढ़ाई है, समान पेंशन की है रैंक के हिसाब से, लेकिन नहीं है, नहीं है। और आप जैसा कि आपने सवेरे आपने एक वीडियो देखा हुआ, उसमें कहा कि 5 जवानों को हमारे पास भेज दो, उनसे रक्षा मंत्री जी की मुलाकात कराएंगे, तो वो आपने वीडियो देखा होगा। और उसी की कड़ी में आप देखिए कि इसकी प्रतिक्रिया क्रिया हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया आती है हमारे सैनिक संगठनों की। सबसे पहले आप झुंझुनू में गौरव सेनानी की आप देख सकते हो, उन्होंने क्या कहा है, बुड्ढे बुड्ढे सैनिक हैं, इनको किसी राजनीतिक पार्टी से मोटिवेटेड नहीं है। ये साहब आपने आज काला पट्टा बांध के काले कपड़े पहन के क्या किया है? कल और आज 7 और 8 तारीख को जितने भी पूर्व सैनिक हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने एक काली पट्टी बांध करके सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है कि हमारी ORP 1, ORP 2 और ORP 3 का विसंगतियों को दूर करें, क्योंकि इसमें मलाई खाने वाले खा गए और अफसर लॉबी को ज़्यादा फायदा मिला, ORJCOs को नहीं मिला कुछ भी। इससे हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को मैसेज जाना चाहिए कि हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए, जो जायज आरोपी है वो हमको मिले, तो हमारा भूतपूर्व सैनिक खुश है, नहीं हम सरकार से भी नाराज हैं। हर एयरफोर्स नेवी और आर्मी के अंदर भी इस ORP 3 के अंदर विसंगत नहीं, आपकी ORP नीति का विरोध कर रहे हैं। ORP आपने दी हम सलूट करते हैं, लेकिन जिस तरीके से चापलूस मलाई खा करके गुणगान खुद क्यों नहीं गाते, जवानों को ले जाकर आपके सामने उनको एक स्क्रिप्ट दे रहे हैं, उससे हम दुखी हैं, आहत हैं। तो आखिर इसका फैक्ट क्या है दोस्तों? फैक्ट मैं बताऊंगा इन्होंने कितना खर्च किया। इससे पहले बहुत सारे ट्विटर आपके सामने था, डिसीजन टू इंप्लीमेंट ORP वाज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एड्रेसिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड एंड रीफ्रेमिंग आवर नेशन ग्रेटिट्यूड एंड माय हीरोज 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 हीरोज। यानी एक ही बात सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये हमारे हीरो हैं, इनको आप जितना भी दो उतना कम है। उन्होंने कहा इट वुड मेक यू ऑल हैप्पी ओवर द डिकेड लाख पेंशनर्स आर पेंशन फैमिली पेंशन बेनिफिटेड इन 191 पेंशन रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ये अच्छा स्टेप है, यानी सारी चीज कही, लेकिन हमारी सेना है तो हम हैं, उसके लिए जो भी सरकार करे वो काबिल तारीफ है और कम है। कितनी अच्छी बातें कही हैं। और आज तक का न्यूज 191 पेंशन के 10 साल, PM मोदी का ऐतिहासिक पहल, पंजाब केसरी, हर एक आप अखबार की स्क्रिप्ट दे सकते हो, यानी इसको महिमा मंडित किया गया है। और बिल्कुल आपने बड़ा कदम लिया है, कितना क्या खर्चा किया है वो भी आपने इसमें डाला हुआ है, उसके बारे में बात करूंगा। और आप देख सकते हो कि सैनिकों की क्या प्रतिक्रिया है, आप बुड्ढे जितने सैनिक हैं सारे आपको वीडियो, आप ये वीडियो देखिए। एयरफोर्स को जो 33 साल ऑलरेडी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होता है उसको 46,300 बेसिक पे दी गई है, और आर्मी के सुधर बेजर ऑलरेडी लेफ्टिनेंट ऑलरेडी कैप्टन को 32 साल का एवरेज के ऊपर खत्म कर दिया और उसको उस बेसिक पे का कोई लाभ नहीं मिला। तो तीनों सेनाओं के अंदर इस ORP 3 के अंदर एक घमासान युद्ध छेड़ दिया है जो कि तीनों सेनाओं के अंदर खतरनाक दौर से गुजरेगा, क्योंकि आर्मी को जो थल सेना है
इसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, तो सरकार से हमें अनुरोध है कि इस विसंगतियों के बारे में सोचे और इस मुहिम को जवान को देशियों के तरफ ध्यान दे। जय हिंद, जय हिंद। इसके बाद ये वीडियो आप देखिए, लेकिन ये चापलूस बाद नहीं आ रहा है, सिर्फ सिर्फ इतनी सी बात थी कि एक बार सुन तो लो मानो मत, सुन तो लो मानी रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपको गुमराह किया जा रहा है, इसलिए आपको कदम पीछे उठाने पड़े। इसलिए मानिकशॉ सेंटर से ये लोग आकर के और जगह पे गए। आपने डाला है कि वन रैंक वन पेंशन का बढ़िया लोगो 10 ईयर्स का डाला है, माइलस्टोन फॉर एम्पावरिंग सर्विसमैन, टोटल ओआरओपी 3 बेनिफिशियर्स 221.56 लाख, यानी आप समझ सकते हो कि 21,56,000 हैं ओआरओपी 3 तक। आपको शायद हैरानी होगी, और पहले कितने थे ओआरओपी 1 में थे 20,60,000, ओआरओपी 2 में हुए 25 लाख, ओआरओपी 3 में घट गए 21.56 लाख। क्यों घटे? क्यों? इंक्लूडिंग 4.52 लाख न्यू रिटायरीज फ्रॉम 1/7/2014 से 30/6/2019 तक, जो नए गए और आए उनको जोड़ा है कि 2019 से 24 से 3.5 पर लोग आपके फौज छोड़ के चले गए। तो इन्होंने इतने लाभार्थियों को दिया है, वो भी परमेचर को नहीं दिया है 1/7/2014, ये खुद कह रहे हैं। इन्होंने कहा एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर इसके ऊपर आ रहा है वो 12,000 करोड़ का आ रहा है। इन्होंने कहा है कि टोटल जो खर्चा हुआ है 1,24,974 करोड़, इतना करोड़ों में है, 1,24,974 करोड़ उन्होंने खर्च किए। ओआरओपी बन में 25.14 लाख उन्होंने दिया, यानी जो बेनिफिशरीज थे उनको दिया, और 12,000 करोड़ का ये आंकड़े उन्होंने दिए, और उन्होंने ग्राफ दिया है, आप समझ सकते हो कि एक साल में कितना खर्चा आता है, कितना दिया है। यानी ये बात देने की कह रही, लेकिन मिलने वालों को नहीं मिला, ये अफसोस की बात है। यानी इतना पूरा 90, आप समझ सकते हो कि एक्सर्विसमैन सारे इसका विरोध कर रहे हैं। आपने 2-4 जाकर के DSW साहब ने बिठा करके उनका वीडियो बनवा दिया, इससे क्या होता है? आप जो प्रतिक्रिया ग्राउंड की उसको क्यों भुला रहे हो? और सभी लोग, यानी जितनी मैं इसमें कमेंट्स पढ़ रहा हूं, इतना अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों को जितना दो उतना कम है, कह रहे हैं कि 24 घंटे की नौकरी है, जीवन का संघर्ष है, जीवन बिल्कुल त्यागना पड़ता है, कई शहीद हो रहे हैं, तो इनके लिए पैसा कोई मायने रखता है? ये है तो देश है और हम हैं, यानी यदि हम अंदर सुरक्षित हैं तो इनकी वजह से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये स्टेप बहुत तगड़ा है, और हम ये कह रहे हैं कि आपने जो स्टेप लिया है हम भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये जो चापलूस नीचे बैठ करके गुमराह कर रहे माननीय रक्षा मंत्री जी को, और आपको सामने मिलने नहीं हमारे को दे रहे, यानी जेएसयू जवान की जो संगठन है, जेएसयू जवान के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी मांग है, उन पर मिलने नहीं दे रहे कि अच्छी तरीके से एक फॉर्म में उनकी बात को सुना जाए। मानना ना मानना अलग बात है। तो दोस्तों, ये वक्त आ गया है, आप अभी यूनिटी दिखा रहे हो। अब इसका अच्छा फर्क है, इसका पॉजिटिव पहलू है कि जेएसयू जवान अब जाग गए, अपनी पूरी यूनिटी दिखा रहे हैं, और इस ताकत को हमने बहुत संवैधानिक तरीके से आगे ले जाकर मानने प्रधानमंत्री से गुहार लगाना है, रक्षा मंत्री से गुहार लगाना, क्योंकि इससे यह तो पता चल गया है कि जो MOD के अंदर या DSW की जो ब्रांच है वो पूरा मैनिपुलेट कर रही है, वो पूरी चीजें प्लान कर रही है, किस तरीके से हमें ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन हमारी बात सुन नहीं रही है, हम मानने तो पहुंचे ही नहीं। तो आपकी क्या राय इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद दोस्तों। 10 साल के अंदर मोदी सरकार ने चवान से लेकर औंदरी कैप्टन तक कोई भी पैसा नहीं इतना दिया, और जितना भी दिया जो 3% है अफसर लॉबी उनको दिया, हमारे को जो 97% जो पूरे भारत के अंदर है उनको इतना पैसा नहीं दिया। तकरीबन हमारे कुछ सबका पूंजी जो छोटे रैंक वाले उनको तकरीबन 10% का फायदा हुआ। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि खास करके पंजाब के अंदर 3,27,212 सबका फौजी है और 76,545 वीर नारी हैं जिनको इसका कोई फायदा नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 7-8 नवंबर के लिए कॉन्फ्रेंस रखी, उसके अंदर बोला भाई हम सरकार के गुणगान के लिए इसको बुला रहे हैं, तो वो साहब हमारे मुंह के ऊपर एक सभी जवान के जेसीओज के हमारी वीरांगनाओं के शहीद परिवारों के डिसेबल साथियों सभी के मुख्य ऊपर तमाचा है, इसलिए आज हम ये काला जोश मना रहे हैं।